भैया ए भैया आप हमको पढ़ाने के लिए मैगजीन लेके आते हैं, आप खुद ही शुरू हो गए, हमको हमको बुला भी नहीं आप। अरे 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 बैठो भाई, बैठो बैठो, ये हम तुम्हारे लिए। भैया वैसे नहीं पसंद आता, आप खुद कहे पढ़ना शुरू कर दिए। अरे एक्चुअली भाई बात का है मेरे मुन्ना भाई, दरअसल बार की जो मैगजीन है ना वो थोड़ी अलग छपी है। कहा छपी? अंग्रेजी में छपा है? अरे अंग्रेजी में नहीं, अरे उर्दू में भी नहीं छपा है। उनका जो कंटेंट है ना भाई, उनको जानने के लिए हम इसको पढ़ रहे थे ताकि हम तुमको बता सके। फिर हम आपको माफ करते हैं। नया वाला है? अच्छा ये नया वाला है। हाँ देखो 2349 एकदम हमको अच्छा लग रहा है। हाँ, इनको तुम जाना तो ये कौन है? ये कौन है? लेकिन बहुत सुंदर महिला है भैया। सुंदरता कोई तो तुम देखोगे, इनको जानने के लिए हम पढ़ रहे थे। ये भाई अनुजा जोशी है भाई। वो कौन है? अरे इनकी कोई वो वेब सीरीज आई है एमएक्स प्लेयर पर। तुम पिक्चर नहीं देखते हो? एमएक्स प्लेयर क्या भैया? अरे एमएक्स प्लेयर पर पिक्चरें नहीं देखते, वो डाउनलोड करके एक साइट है, साइट भी का वो एक एप्लीकेशन आता है। अरे वो जो हमने तुम्हारा उस दिन फोन पे हम देखे थे, वो झोली में मौजी, हम जो फोन में देख रहे थे पिक्चर, उसी पे चल रहा था। अच्छा। तो ना ऊपर ना वेब सीरीज आई है। अच्छा। ये हेलो मिनी करके। अच्छा क्या है भैया, मतलब बहुत बहुत सुंदर लग रही है ये महिला, देखिए ना आप कितना कितना खूबसूरत है। अरे दरअसल क्या है कि एमएक्स प्ले पे इनकी जो वेब सीरीज आई है ना, हाँ। ना उनके 15 एपिसोड आए और वो एडल्ट कंटेंट है भाई। भैया हमको देखना है कैसा है, तभी तो हमारा अच्छा वाला है। अरे बहुत ही अच्छे वाला है भैया, देखिए ना कैसा बाहों में आ रखी है एकदम। देखिए एकदम इन्होंने बताया कि जो बनी है ना हेलो मिनी, वो कोई तुम्हारी नोवल ओवल पे बनी है, कोई स्ट्रेंजर प्रेंजर करके उसके ऊपर बनाई है ये। भैया हमको भी देखना है, हम भी देखेंगे, अभी देखना रात को देखेंगे ये सब। ये बदतमीजी मत करो भैया, ऐसा मजा आ जाता है ना, रात को हम फ्री रहते हैं, सारा काम यहाँ पे कर लेते हैं। चलो हम तुमको आगे दिखाते हैं, तुम्हारी तो बकवास नहीं खत्म होती। दिखाइए ना भैया और का है। दिखा रहे हैं ये देखो कौन, ये बताया तुमको, ये आई है अनुजा जोशी। भैया ये जेंटलमैन के साथ कितना चक्कू चक्कू हो रही है, बहुत है भैया मजेदार एकदम मोमेंट लग रहा है हमको। अरे तुमको मूवमेंट ना, तुम मूवमेंट का एंजॉय कर रहे हो भाई। भैया हमको ऐसा सब बहुत पसंद है। तुम रात को सब कर रहे हैं सब, ये बकवास करोगे ना, हम देखेंगे। असलील होता जा रहे हो यार, दिन पर दिन। चलो चुप रहो, हम तुमको आगे दिखाते हैं, दारा बकवास करने की जरूरत नहीं। देखो कौन है भाई, प्रियंका चोपड़ा। ये भैया ये बहुत सुंदर लग रही है, देखिए तो। अरे हम तुमको वो बताए थे ना, इनकी वो मूवी आ रही है दिस स्काई पिंक करके, गुलाबी आसमान वाला जो आप बताए थे हमको पिछले हफ्ते, तो वो रिलीज हो चुकी है और सुनने में बहुत ही इमोशनल मूवी है और बहुत ही अच्छी मूवी है भाई। भैया हमको रोनमन वाला पिक्चर नहीं पसंद। अरे अब कभी का बार तुम हवस से निकल के भाई थोड़ी पारिवारिक चीजें भी देखा करो यार। ए भैया लेकिन हमको पसंद आता है। अरे तो कितनी हवस है भाई, तो भैया परिवार बनाएंगे तब जाके परिवार पिक्चर देखेंगे ना। अरे तो परिवार पारिवारिक पिक्चर बनाने के लिए परिवार की कहाँ जरूरत है भाई, अकेले जाके तुम नॉलेज मिलता है, नॉलेज ना उससे। अरे तुम तो बहुत नॉलेज है भाई, तुम पहले तो तुम सारा तुम बताइए ना, हमको बताइए ना। ये देखो ये सब जेंटलमैन टाइप का आदमी सब कौन है भैया? अरे इनके सब को स्टार वगैरह हैं भाई, ये जो सब इनके पिक्चरों में इनके साथ रहे हैं। ये देखो ये फरहान अख्तर है, ये तुम्हारी ये जायरा बसीम है, ये जो इनकी दंगल दंगल वाली है, हाँ, दंगल देखे थे। जो इनकी पिक्चर में इनकी बेटी बनी है। अच्छा। फरहान अख्तर जो है उनके हस्बैंड बने हैं। ए भैया अरे हाँ बहुत ही अच्छी पिक्चर है भाई, तुम देखना। पर ई देखो ये भैया ग्यारह उंगली वाले हैं ऋतिक रोशन, आप हमको बताए थे बार बार करके इनका पिक्चर आ रहा था, हम देख के भैया बहुत ही हमको मजा आ गया। बहुत ही अच्छी पिक्चर है भाई, बहुत अच्छा लगा। मतलब इन्होंने तो हफ्ते भर में इतना कमाया। अरे 200 करोड़ से पार किया है भाई। 200 करोड़ भैया, 200 करोड़ में कितना जीरो होता है? अब वो हमको पता होता तो हम यहाँ होते हैं। सही बात है। लेकिन वो की सक्सेस पार्टी करी गई थी, देखो ये बार करके ये केक बनाया है और भैया बहुत सुपर डुपर हिट पिक्चर गई है भाई इनकी। भैया हमको भी बहुत पसंद आया पिक्चर। ये देखो ना, ये देखो ये सारी उनकी स्टार कास्ट बैठी है, ये उनका डायरेक्टर भी है भाई। भाई ये वही है ना, सिद्धार्थ आनंद जी। ये कितना भैया, अरे बहुत ही जवान और देखो बहुत कमाल करके गई है पिक्चर, वाणी कपूर वगैरह बहुत ही मतलब बहुत। और सबसे बहुत जरूरी बात, वो जो हमारे भिड़ू जी के लड़के हैं ना, हाँ, टाइगर सर जी, बहुत तारीफ हुई है इनकी भी, इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, देखे हम बहुत ही ज्यादा। चलो हम तुमको आगे दिखाते हैं, ई देखो कौन है, ई कौन है भैया? ई विक्रम भट्ट, महेश भट्ट के छोटे भाई है। महेश भट्ट वो कौन है?
अरे वो आलिया भट्ट के पापा है। हम आलिया भट्ट को जानते हैं ना भैया। अरे तुम उनके पापा को का ही नहीं जानते भैया? पापा जी में हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमको आलिया भट्ट में ज्यादा इंटरेस्ट। हाँ तो उनके ये चाचा ही है। अच्छा घोस्त कुछ ऐसे ही होता है, भूत को इंग्लिश में घोस्त कहते हैं। घोस्त हाँ, तो इनकी वो पिक्चर आ रही है उसके अंदर है, देखो इनकी फोटो वोटो भी छपी हुई है सबकी। ये भैया लेकिन हमको ऐसा समझ में आया कि सब भूत में सब अच्छा अच्छा सीन होता भी है। तुम काहे तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज दौड़ती है का भाई? ए भैया हमको थोड़ा वैसा बड़ा पसंद आता है ना। अरे ऐसा काहे पसंद आता है? मतलब तुम्हारे को पारिवारिक चीजें तुम्हें नहीं देखनी, खाना पीना तुम्हें है, काम चोरी तुम्हें करनी है, सारी हवस वाली चीजें तुम्हें देखनी है। भैया बड़ा आदमी तो ऐसा ही बनेंगे ना। अरे ऐसा कौन बड़ा आदमी बनता है? हवस वाला हम बनेंगे? अरे कहा बड़े आदमी नहीं बनोगे, अंदर जाओगे। भैया रणबीर कपूर कहाँ गया अंदर, देखिए ना। अरे रणबीर कपूर वो कपूर खानदान का चश्मो चिराग है भाई, तुम कहाँ गए हो बे? भैया तुम्हारी शकल तुम्हारी शकल तो 8 नंबर के जूते जैसी है। भैया तो आप भी तो 9 नंबर वाले, हम कुछ बोले? तुमसे 1 नंबर ज्यादा है तभी तो तुम्हें बता रहे हैं। तो भैया बताइए ना आगे दिखाइए। हाँ इतनी बकवास करते हो भाई। अच्छा ठीक है भैया, नहीं ना बताइए ना आगे। इतनी बकवास करेंगे भाई? ये देखो ई हमारे सबसे फेवरेट स्टार है भाई। कौन है भैया? सुपरस्टार मेगा स्टार चिरंजीवी। चिरंजीवी वो कौन है भैया? अरे साउथ के बहुत बड़े एक्टर है भाई। भैया हम साउथ पिक्चर नहीं देखते हैं। अरे तो तुम देखो भाई, साउथ के पिक्चरों में भी तुम्हें थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। फिर तो देखेंगे। लेकिन इनकी एक मूवी आ रही है सियारा करके, सियारा नरसिम्हा रेड्डी, उसमें वो हमारे अमिताभ बच्चन जी भी हैं। हे भैया हाँ, तो देखो ना इनसे खास बातचीत करी गई थी चिरंजीवी जी से बातचीत। हाँ अरे बहुत बड़े भाई मेगा स्टार है, इससे किसी को इंटरव्यू नहीं देते, ये तो मायापुरी है तो दे दिया। हे भैया हाँ देखो इनसे पूछा भी था कि एक्शन करने में इस फिल्म में कितनी परेशानी हुई आपको। अरे तुम जाना तो ये कितने साल के हैं? 60 साल से ऊपर के हैं। बात देख कर रहे हैं। हाँ तो 60 साल का आदमी एक्शन कर रहा है, इतना स्मार्ट लग रहे हैं 60 साल में। बहुत तभी तो देखो इनका जवाब देखो, मुझे घुड़सवारी अच्छी तरह आती है, बहुत घुड़सवारी की है इन्होंने, केवल तलवारबाजी पहली बार करी है इन्होंने तो उसमें थोड़ी दिक्कत इन्हें देखने को मिली, बाकी सब ठीक था। बाकी एक्शन की बात होती है तो भैया फिर तो वो अपना बेस्ट ही देते हैं, आखिर मेगा स्टार है भाई। बाप रे बाप, भैया कैसे कर लेता है? अरे ये देखो ये कौन है भैया? अरबाज खान को नहीं जानते तुम? ये कौन है भैया? सलमान खान के छोटे भाई। अरे वो दबंग वाले जो मक्खी चंद पांडे थे, हमको याद है भैया। हां अभी तुमको ऐसे समझ भी नहीं आएगा, मुझे मेरी गलती थी, मुझे समझाना पड़ता था, वो मलाइका का एक्स हस्बैंड। अब हमें समझाए ना भैया, अब हमें समझ में आया ना भाई। देखो इनसे भी खास बातचीत करी गई थी तो इन्होंने इनसे पूछा गया था कि दबंग 3 आ रही है ना, उसमें कहा नयापन है, मतलब कहा अलग है? तो उन्होंने कहा बहुत सारी चीजें हैं, इस बार भी एक्शन में रोमांस का तड़का है। ओ बाप रे भैया, ए भैया हमको दबंग 1 दबंग 2 दोनों बहुत पसंद आया था। हमको 1 बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी, हमें 2 में थोड़ी कमी लगी। हाँ भैया लेकिन बहुत अच्छा किया था, बहुत ही अच्छी मूवी थी। पर हम तुमको अगर आगे दिखाएं तो देखो इस बार कौन है, इनको जाना तो ही कौन है? ये कौन है भैया? अब इनका परिचय देने से पहले हम आपको इनके पिताजी का परिचय देते हैं। इनके पिताजी का नाम है भाई अनिल शर्मा, वो गदर पिक्चर देखी थी, उनके बेटे हैं ये उत्कर्ष शर्मा। तो वो का किए थे भैया पिक्चर में गदर में? कौन? अनिल शर्मा जी। अरे बनाई थी डायरेक्टर थे। अरे वो बनाए थे? वो बनाए थे। बाप रे उनका बेटा है ये। हाँ और इनकी मूवी भी आई थी जीनियस, में तो बहुत बार देखी है, वो बहुत अच्छी मूवी लगती है। हाँ अरे तुम देखना, तुम्हें थोड़ा ये भी देखने को मिलेगा और ये भी देखने को मिलेगा। ये देखते ना भैया। अरे वो सिर्फ जीनियस ही नहीं भाई, अरे हम तुमको अगर ये बताएंगे ना तुम इन्हें फटाक से पहचान लोगे। वो गदर पिक्चर में जो छोटे से सरदार नहीं बने, हाँ, जो बेटे उनके बेटे थे भैया, ये वही है। ए बाप रे इतना बड़ा हो गए? तो बहुत पुरानी पिक्चर है भाई, बड़ा नहीं होगा का आदमी। सही बात है भैया, सही बात। हाँ तो इनकी उसमें बड़ी इन्होंने गदर एक्टिंग की थी ना, जेंटलमैन टाइप का आदमी लग रहा है। जीनियस में भी इन्होंने बहुत ही गदर वाली एक्टिंग की है भाई, ये देखना मूवी हमें बहुत अच्छी। लेकिन अब जो हम दिखाने वाले है ना उन पे बुरी नजर नहीं डालना, वो तुम्हारी भाभी समान है। भैया कौन है दिखाइए ना। बदतमीजी नहीं करना क्योंकि हमारे तो वो दिल की भाई साहब बहुत ही ज्यादा सुखद चैन है। भैया दिखाइए ना कौन है। देखो ऐश्वर्या राय, और देखो इन पे भाई बुरी नजर मत डालना। देखो तुम किसी को भी लो, इनको हमारे लिए छोड़ दो।
चलिए भैया हम छोड़ देंगे, पर ये देखिए ना कितना सुंदर लग रही है, चॉकलेट खा रही है, खूबसूरत लगती है भाई हमें ये तो। भाई पता नहीं किसकी चांदी खुल गई जो जिनकी जिंदगी में ये चली गई, लेकिन भैया हम सोच रहे अच्छी हम, हम वो चॉकलेट का टुकड़ा काहे नहीं हो सकते हैं, फिर तुमने बदतमीजी की। भैया हम तो चॉकलेट के लिए बोले ना। अरे कहा है चॉकलेट, तो चॉकलेट वो क्या कर रहे हो चॉकलेट का खा रहे हैं। हमने बोला था ना ये बदतमीजी मत करना इनके साथ। भैया लेकिन देखिए ना क्या हमें बहुत अच्छी लगती है ये, देखो ये बहुत ही दिनों बाद दिखी है भाई, बहुत दिनों बाद। इनकी वो मूवी आई थी वो अनिल कपूर की, वो आखिरी पिक्चर जो थी अनिल कपूर के साथ उनके, वो बहुत बड़ी वो गायिका वायिका बनी थी, लेकिन उनके बाद ही अब आई है ये देखो एक एड में, कैडबरी की एड में। कितना सुंदर महिला है भैया, बहुत ही अच्छी लगी हमको ये महिला। तुमने फिर बदतमीजी की, हम तुमको आगे नहीं भैया अब ऐसा बात करते हैं हम तुमको आगे नहीं बताएंगे, हम नहीं करेंगे नहीं बात खत्म, हम तुमको आगे नहीं बताएंगे। ये तुम हर बार ऐसी बदतमीजी करते हो, हमने तुमको पहले ही बोला था कि इनके साथ बदतमीजी मत करना। कहाँ की है अब, हमने तो बस तारीफ की है ना, सुंदर महिला है। तुमने बहुत बदतमीजी की है ये, हम तुमको ये आखिरी बार बता रहे हैं, ये देख लो तुम हमको बहुत पसंद है, हमको बनियान पसंद है, तुम फिर बदतमीजी करोगे ये लड़की के बारे में बोल के। काम करो तुम जाओ, उठो निकलो तुम यहाँ से। भैया ऐसा बात, अरे तुम जाओ यहाँ से, ये हमारी गलती है जो हम तुम्हारे पढ़ के रखते तुमको बताते हैं, बकवास बोला था ना, उन पे गलत नजर मत डालना, काहे डाले। भैया ऐसा बात करते हैं, पसंद कहाँ आता है, नहीं करना बकवास करा लो तुमसे जितनी मर्जी पागल आदमी। राय बहुत बहुत अच्छी लगती है। ओ भाई वीडियो खत्म हो चुकी, अब तो ऐश्वर्या राय से बाहर निकल जा, ओ ऐश्वर्या से बाहर निकल जा, ऑडियंस से बात कर ले। अरे हाल करते हैं भैया, बात तू बात कर लेना भाई। ए भैया ये देखो, ये तो ऐश्वर्या राय के पीछे पागल हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ यार, मायापुरी मैगजीन का लेटेस्ट वर्जन 2349 मार्केट में आ चुका है, जल्दी से जाइए पढ़िए, और बाकी क्या करना है वो तो बता दे। बता दूं क्या? बता जल्दी जल्दी बता भैया। देखो ऐसा है, ये मायापुरी मैगजीन ना बहुत ही वर्ल्ड फेमस। अरे लेकिन यार मैं ऐसे भोजपुरी में क्यों बात कर रहा हूँ यार, यार ये मायापुरी मैगजीन ना वर्ल्ड फेमस है यार, आपको कहीं भी आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे नहीं मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती तो भैया हमारे कमेंट सेक्शन में अपना एड्रेस मेंशन कर दो, हम भिजवा देंगे भाई, भिजवा देंगे यार। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट तो इसने बताया दिया, करें ही करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मायापुरी का।